स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा व उपचार समय पर मिल सके, इसके लिए सरकार ने 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध कराई है। करोड़ों रुपए खर्च कर जननी एक्सप्रेस 108 संजीवनी वाहन का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचती और अन्य मरीजों अन्य वाहनों से शासकीय अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है। इसी तरह जननी एक्सप्रेस 108 संजीवनी वाहन के भी हाल है। शासन की दोनों सुविधाएं ठेके पर संचालित हो रही है। जननी एक्सप्रेस 108 संजीवनी और 108 एम्बुलेंस वाहन को लेकर कई बार फोन लगाने के बाद भी वाहन मौके पर नहीं पहुंचता है। ऐसा ही मामला गुरुवार को देखने को मिला, जब गर्भवती महिला को लेकर जा रही जननी एक्सप्रेस 108 संजीवनी वाहन का डीजल एक नहीं दो बार रास्ते में खत्म हो गया। गर्भवती महिला के भाई ने दो बार डीजल डलवाया, तब जाकर वाहन पेट्रोल पंप तक पहुंचा। दरअसल बागली के शासकीय अस्पताल से गर्भवती महिला सुनीता डावर निवासी पानकुआ को जननी एक्सप्रेस MP 41 AC 6413 देवास जिला अस्पताल के लिए निकला। देवास जिला अस्पताल लेकर जाते समय चापड़ा के समीप ग्राम सुनेरा में 108 संजीवनी वाहन का डीजल खत्म हो गया, लेकिन रास्ते में दो बार वाहन में डीजल खत्म हो गया। 108 संजीवनी वाहन का मेंटेनेंस संभालने वाले जिम्मेदार लोग की लापरवाही के कारण इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि बाद में महिला सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंच गई। 108 वाहन हमेशा ही लापरवाही के मामले में चर्चा में रहता है। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।